Nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear. That my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. Anxiety, filling up every space, no privacy. And silently, it could build and build until you finally see. Whoa, it's taking over, damn no closure, moving. Assalamu alaikum, welcome again. बकरे वालों की बातें YouTube चैनल. आज बालाहेड़ी बकरा मंडी में अगेन आना हुआ है असद भाई के साथ, यूसुफ भाई के साथ, और भाई आपका नाम भूल गया मैं, मूसा भाई. तो असद भाई आज 18वां रोजा लग गया है, मंडे का दिन है. तो अभी मंडी में आप, मुझे लग रहा है पहली बार आए हो आप? जी भाई मैं पहली बार आया. और कैसा एक्सपीरियंस है अभी? भाई अभी तो बस आए हैं और मंडी अभी देख ही रहे हैं कैसे माल उतर रहा है और किस तरीके से माल के थोड़ा बहुत हमने एक दो के रेट पूछे, किस तरीके से बता रहे हैं वो चीज देख रहे हैं. अच्छा, और दिनों के मुकाबले में मुझे माल थोड़ा सा कम लग रहा है जी. और यूसुफ भाई कैसा रहा सफर? टाइम से पहुंच गया. टाइम से पहुंच गया ना. और कुछ खरीदारी करने का इरादा? बस देखेंगे, अब माल कम है मंडी में. मंडी में कम है ना, और हिसाब का भी नहीं है अभी. जैसे कि अभी हम एक राउंड घूम लिए हैं, लेकिन इंशाल्लाह फिर भी कोशिश करेंगे कि मिल जाए. चलिए ठीक है, अभी अपने सफर को शुरू रखेंगे, और अगर जैसा जैसा माल हमें मिलेगा आगे वो हम आपको अपडेट करते रहेंगे इंशाल्लाह. मंडी में तोता परी बकरियों का लॉट मिल चुका है. भाई नाम क्या है आपका? राहुल शेट्टी. माय गॉड. राहुल शेट्टी, माय गॉड. हाँ जी. अच्छा, मंडी में आज जो है माल कम आया ना और दिन के मुकाबले? हाँ कम आया. इसकी वजह क्या है? ये रोजे चल रहे हैं. रोजे चल रहे हैं. हाँ, मतलब ईद के बाद तकरीबन मंडी भरेगी खूब. हाँ. तो अभी आप जो है ये फीमेल्स लेके आए या मेल्स भी लेके आए? बकरी है या बकरे भी हैं? बकरी भी है. बकरे भी. बकरे भी हैं. किस रेंज के हैं ये? तो अलग अलग रेंज है. आपके पास एक चांदनी नाल का बकरा था, वो है क्या अभी? ये मुझे एक बार निकाल के दिखा देंगे थोड़ा सा आगे. हाँ, चांदनी नाल का बकरा दिखा देना. असद भाई पकड़ना जरा थोड़ा सा. चांदनी चांद से होती लेना. हाँ, मुल्तानी कलर आ रहा जिसे है ना, मुल्तानी कलर भी बोलते हैं. असद भाई थोड़ा सा ऐसे करना सीधा. अभी अदन बच्चा है, 6 महीने का ही. अदन बच्चा भाई, थोड़ा सा बच्चा माशाल्लाह से बहुत अच्छा है. अभी वजन कितना ले रहा है? इसका वजन 45 किलो. 45 किलो जिंदा. दो दांत पे उम्मीद है 60 किलो चला जाएगा. ठीक है, डिमांड क्या कर रहे हैं मार्केट के हिसाब से आप? इसका 32,000. 32,000 रूपए. और इरादा कहाँ तक का है ऑलमोस्ट छोड़ने का? दे देगा 28 का. 28 का. और कोई है बच्चे इसकी टक्कर का? टक्कर का है ना अंदर है. अच्छा, अभी इनमें कोई है? नहीं, गाड़ी में डाल रहा है. आपकी सबसे फेवरेट बकरी कौन सी है इनमें से, जो आपको लगती है कि वाकई में कोई बकरी है? ये इसकी मॉम है ना. अच्छा, इसकी माँ ही है. चलिए, माँ बेटा दोनों आ गए. ठीक है, माँ और बेटे का रेट क्या रहेगा दोनों का? दोनों के ये दोनों दे देंगे 55,000 रुपए में. और ये अगर खाली ले तो हम? ये खाली ले जाओ. ये कि इसका क्या रेट रहेगा? 20 की. ठीक है, आप अगर अपना नंबर बताना चाहें तो बता सकते हैं. अगर कोई कॉल कर लेगा तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं. नंबर तो वही है, पहले वाला ही. अच्छा, पहले वाला ही नंबर है. हाँ. मुझे मालूम नहीं क्या है. 99 82 47 80 70. ठीक है, और आपकी लोकेशन जो रहेगी वो कौन सी रहेगी? आपका जो गांव है वो कौन सा है? बिचगांवा. यहाँ से कितनी दूर पड़ता है? 35 किलोमीटर. ठीक है, जो भी आपको क्वेरी हो आप इनसे कांटेक्ट कर लीजिएगा. बकरी बकरे बच्चे जो भी हैं वो आप इनको बोल दीजिएगा, ये आपको अरेंज करा देंगे. भाई इसको अजमेरा बोलेंगे, गुजरी बोलेंगे. कितने दांतों पे? 6 दांत. 6 दांतों पे. हाइट भी इसने अच्छी पकड़ रखी है ना. कितनी अंदाजा होगी क्या? हाइट कितनी होगी अंदाजा? देख लो, 40 तो है. वेट? नहीं, हाइट इसकी. हाँ, जो हाइट है लंबाई. हाँ, वो लंबी गर्दन का बच्चा है. वजन में कितना आ रहा है? वजन में 85. क्या डिमांड? अच्छा, और डिमांड क्या कर रहा है उसकी? 52,000. 52,000 रुपए. बकरा अच्छा है, लड़ता भी है क्या? लड़ता खूब है. लेना जरा लेना, ये देखो बकरे का फ्रेम देखो और बकरा देखो. माशाल्लाह से ये देखो घोड़े की तरह खड़ा हुआ है माशाल्लाह से. ठीक है भाई, माशाल्लाह से ये 2 और 3 4 और ये 5 नग बड़े ही खूबसूरत हैं. और ये आप ही है ना इनके मालिक? आप ही है ना? ठीक है, बड़ी प्यारी जोड़ी खड़ी हुई है ये अब लग में. कोटा में आएगी ना? कोटा में. क्या क्या डिमांड कर रहा हूँ इनकी?
50,000 की जोड़ी। वजन कितना है वजन? जिंदा, ठीक है, जोड़ी बहुत प्यारी है। और चाचा ये बराबर वाला ये कितने का रहेगा? ये 30,000 का, ठीक है। ये बड़े प्यारे बच्चे लग रहे हैं, 50,000 रुपए की जोड़ी कोट कर रहा है। आगे जाना, ये बकरीद का माल है, ऑलमोस्ट बकरीद में आने वाला माल है। बहुत ही खूबसूरत उम्दा लाजवाब आंटू में है, लेकिन साफ सुथरी बहुत है जोड़ी है। दोनों भाई लग रहे हैं माशाल्लाह, ठीक है। तुम्हारा अगर कोई नंबर हो तो दे सकते हो, अगर कोई कस्टमर होगा तो आपको कॉल कर लेगा। है नंबर तो नंबर बता दो। 6350-5484। एक बार हल्के हल्के बताओ। 6350-5484। ठीक है, जिस किसी को भी चाहिए हो नंबर पे कॉल कर लेना। अच्छे लगे, जहाँ तक डिलीवरी पॉसिबल होगी आप इनसे बात कर सकते हैं, इनसे नेगोशिएट कर सकते हैं। ठीक है भाई, शुक्रिया। नाम बताओ अपना। संजय भाई। कितने नग लेके आया? 25 नग लेके आया। कुछ माल अभी बेचा या नहीं? बेच दिया बकरे, 13 बकरे बेच दिए। खस्सी है या आंडू में? सब खस्सी है हाथ से। पट्टी की एवरेज क्या बैठेगा वजन में? वजन आएगा इनको 60-65। 60-65 की पट्टी बैठेगी। 60-65। और इनमें जो आपने जो रेट निकाला है वो क्या निकाला है? अभी हमने बकरे बेचे हैं 35 का, 30 का, 32 का, 28 का। सिंगल ले लो या पट्टी ले लो? पट्टी ले लो, सिंगल ले लो। ठीक है, मंडी में बेचते हो या कोई अपना फार्म भी है गाँव वगैरह? अपना फार्म भी है। ठीक है, कुछ नाम है फार्म का? ओसवाल टेटरिंग कंपनी, श्रीवादुपुर। ठीक है, अपना नंबर शेयर कर दो फिर बकरे दिखाते हैं। 82-33-11-55-50। कितने भी बकरे चाहिए हो, क्वांटिटी में चाहिए हो ईद के लिए, तो आप प्रोवाइड आसानी से करा दोगे? हाँ जी। ठीक है, जैसे ये बकरा खड़ा हुआ, इसको अगर सिंगल ही लेते हैं, चलो सिंगल छोड़ो जोड़ी ले लो, जोड़ी अच्छी लग रही है। हाँ जी, जोड़ी ले लो। जो जोड़ी में कितने का आ जाएगा? ये जोड़ी आएगी 75,000 रुपए की। 75,000 रुपए की खूबसूरत जोड़ी है। दो दो दाती है, पंजाबी, पंजाबी में व्हाइट आईज। अच्छा, एक पीली आंख का, एक सफेद आंख का। ठीक है, और ये लाल वाला सिंगल? हाँ, 32,000 का आ जाएगा। ठीक है, और ये व्हाइट वाला जो है? यही वाला। हाँ, आगे वाला। ठीक है, 32। अच्छा, ये तो बीटल में नहीं है, ये तो कोई और सी नजर आ रही है। ये कुछ कोटा टाइप मालवा में आ रही है। ठीक है, तो इन तीनों की पट्टी क्या रहेगी? 26,000 की आ जाएगी। इनमें वजन कितना आ रहा है? और अच्छे खूबसूरत बच्चे ना ये दोनों? तो हाँ जी, हाँ जी, बहुत खूबसूरत। दोनों भाई भाई लग रहा है ना? दोनों इकट्ठे हैं जी, जोड़ी है, भाई भाई है दोनों। कोटा समझ लो या आप मालवा समझ लो। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। हस्सी में मिलेंगे आप। हाँ जी। और कांटेक्ट आपका अलग है, इनका अलग है? एक ही कांटेक्ट है ना, तो एक ही नंबर मैंने आपको दे दिया। चाहे लाल वाला माल लेना हो, पंजाबी बीटल में लेना हो, मालवा में लेना हो, भाई से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं आप। ठीक है ना, मंडी एवरी मंडे लगती है सुबह में, बालागढ़ी महुआ रोड पे लगती है। किसी को कुछ भी परेशानी हो आप कॉल करके, व्हाट्सएप करके डिटेल्स वगैरह ले सकते हैं। ठीक है भाई, शुक्रिया। ठीक है, रफीक भाई, टोटल कितने लगे अभी है पट्टी में जो खड़े हैं? भाई ये 13 बकरे का लाट। 13 बकरों का लाट है, और इनमें से कुछ बड़े बकरे भी है ना? 3 बड़े, 10 छोटे। ठीक है, जो 3 बड़े हैं वो किस दाम के हैं पट्टी में? 35,000 रुपए का। और उनका जो वजन है वो कितना है? 75 किलो का। और दांत? दांत 4-6। 4-6। ठीक है, पहले मैं वही दिखा देता हूँ आपको, 4-6। ये तीनों बकरे हैं 4-6 में, अच्छे बकरे हैं। और आप इनको अपने हिसाब से मेवाती भी बोल सकते हैं या तोतापरी भी बोल सकते हैं। बकरीद पे यूज होने वाला इस्तेमाल है माल है, और एक आध इसमें आप पलटी के लिए भी बकरा रोक सकते हैं। अच्छे बकरे हैं तीनों। ठीक है, अब दूसरी छोटा वाले माल की तरफ आ जाते हैं। और सारे टोटल खस्सी मिलेंगे? दो दांत खस्सी और पट्टी में मिलेंगे आपको, बालाघड़ी बकरा मंडी में रफीक भाई के साथ। मैं एक बार आपको और दिखा देता हूँ। रफीक भाई अपना नंबर डाल दो फिर। 63-77-61-83-82। ठीक है, पट्टी में जिसको लेने हो या सिंगल डबल लेने हो, आप अपने सहूलत के हिसाब से इनको कॉल कर सकते हैं, या आपकी लोकेशन पे ही भेज देंगे। ट्रांसपोर्टेशन का चार्ज होगा, वो आप दोनों पार्टी मिलके आपस में डिस्कस कर सकते हैं।
मौसम आज अच्छा हो रहा है बालाहेड़ी का, लेकिन माल थोड़ा कम है। देखिए यहाँ से मैं आपको दिखा देता हूँ, ये माल बहुत ही क्लियर हो गया यहाँ से, ठीक है, ये पट्टी क्लियर है बिल्कुल। तो वीडियो दोस्तों हमारी कंप्लीट हो चुकी है, बालाहेड़ी महुआ रोड देख लीजिए, हाईवे पूरा चल रहा है और बहुत मजा आया रमजानों में, ठीक है। इंशाल्लाह अगर मौका मिला तो ईद के बाद भी आएंगे, ईद के बाद भी आएंगे इंशाल्लाह, और मंडी कवर करेंगे। और वीडियो को अगर अच्छी लगे तो आप लाइक कर देना, शेयर भी कर देना, और वीडियो को थोड़ा पूरा देखें तो मजा आएगा बालाहेड़ी में, ठीक है ना। दुआओं में याद रखें भाई, अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।